एक जाजम, एक बात बताइए, आंदोलन के लिए कहीं घटना घट गई तो उसमें एक जाजम पे बैठेंगे फिर बात करेंगे अच्छा इनके बयानों में एकजुटता है क्या? मुख्यमंत्री तो सामने नहीं आ रही, गृह मंत्री रात को कुछ और बोलते हैं दिन में कुछ और। मैं आपको एक और बता दूं, राजस्थान का राजनीति का सबसे बड़ा चमचा अशोक परनामी आज सिरोही में इनाम लेकर आया। मैं कह रहा हूं गुस्से में उस आदमी के लिए, ये गलतफहमी निकाल दे परनामी की। परनामी जी को आज सिरोही में तो इनाम मिल गया, काले झंडे देखने को मिले। परनामी जी जहां जा जाएंगे वहां राजस्थान की धरती पर उनका बहुत जबरदस्त सम्मान करवाएंगे हम। और उनको कहूंगा बंदूक लेकर जाना साथ में। शाम को 4 बजे वो गलत बयानबाजी करते हैं, सिर्फ 5,000 लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे मंत्रियों ने भीड़ को रोक दिया, खुद चले जाते बटे तन पत्तो पड़ जाते। इतना घमंड, किस घमंड की भाषा बोल रहे हैं? मैं भी जयपुर में रहता हूं, वो भी यही रहते हैं और वो तो MLA हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मर्यादा में बात करनी चाहिए। वो एक आंदोलन की हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष होकर। अधिकारियों का दुरुपयोग का भी एक सवाल उठ रहा है कि IPS और IAS अधिकारी इनका लगातार दुरुपयोग। अशोक गहलोत ने भी कहा था जो लोग ईमानदारी से रहेंगे वो ठीक है वरना सरकार बदलेगी तो करते हैं। और एक आपके पास वीडियो आया होगा, एक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जो हमारा ऑल इंडिया का यूथ कांग्रेस का प्रभारी है उसकी गाड़ी ड्राइवर लेके निकलता है, पुलिस वाले उस गाड़ी को 15 मिनट तक तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक जनरल का। और अशोक चांदना को बेवजह आप प्रदर्शन हो गया, लग गई आपके पुलिस उनके भी लगी, उसको जेल भेजा गया। आज तक ऐसा हुआ है कभी कि MLA को जेल भेजा गया प्रदर्शन के बाद? लगातार इसी काम में पुलिस लगी हुई है, पुलिस का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं जो अधिकारी इस सरकार के भरोसे मनमानी कर रहे हैं, सरकार के सारे पर गोली चला रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, राज बदलेगा तब राज में ध्यान तो रखेगा। आज आप अशोक चांदना का सर फोड़ोगे उसको जेल भेजोगे वो ध्यान नहीं रखेगा। सर अशोक चांदना किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनको इस तरह से आपने कहा गिरफ्तार किया है, तो आप उसके लिए कांग्रेस पार्टी की रोड मैप तैयार क्या आगामी क्या करेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन चल रही है। जहां तक यूथ कांग्रेस के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस मामले में भी कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी में रणनीति बनाकर ये आंदोलन तेज होगा और ये आंदोलन रुकेगा।